नमस्कार स्टेट लाइन लेखा जोखा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब जम्मू कश्मीर एक रियासत से यूनियन टेरिटरी बन गया था तो जितने भी युवा थे उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बदल जाएगा, नए एवेन्यूज उन लोगों के लिए खुल जाएंगे। हो सकता है ये फ्यूचर में पॉसिबल भी हो, लेकिन अब तक अगस्त से लेकर अब फरवरी 2020 भी ख़त्म होने को आया है, लेकिन अभी तक जो जम्मू कश्मीर का युवा है वो इस असमंजस की स्थिति में है कि रिक्रूटमेंट कब होगी, कि जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट की प्रोसेसेस हुए भी थे उन्हें भी विड्रॉ किया जा रहा है, उन्हें भी स्क्रैप किया जा रहा है। तो आखिर जम्मू कश्मीर के युवा को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या है? आपने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हमारी बात भी सुनी और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियंस का भी इस पर टेक सुना, लेकिन पहले बात करते हैं उन कैंडिडेट से जिन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक का फॉर्म भरा था, जिन्होंने अप्लाई किया था, और वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो एक्चुअल में सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ हैं कंवल सिंह। तो कंवल, सबसे पहले कि अब जो डायरेक्शंस दे दी गई हैं ये भी पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अभी डायरेक्शंस दी गई हैं, अभी एक्चुअल में प्रोसेस स्क्रैप हुआ नहीं है, तो कितनी श्योरिटी आपको लगता है इस बात की कि ये प्रोसेस स्क्रैप होगा ही होगा? डेफिनेटली ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से डिसीजन आया है, तो जेएनके बैंक हैज़ टू अबाइड बाय इट। उनको ये ऑर्डर डायरेक्शंस माननी ही पड़ेंगी, बिकॉज उन्होंने सर्टन ग्राउंड्स दिए हैं कि जिस ग्राउंड्स के बेसिस पे ये एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है ये इस आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1.5 ईयर ये क्वैश होना चाहिए। ग्राउंड्स के ऊपर भी अगर डिस्कस करें तो ग्राउंड्स को इवैल्यूएट करें तो आपको पता चलता है कि IBPS के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, क्वेश्चन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर बैंक में जितने भी लोग थे जिन्होंने शायद से रिजल्ट्स में कुछ धांधलियां की हैं उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस समय बिना किसी एक पर्सन को, बिना किसी पर्टिकुलर पर्सन को पिन पॉइंट किए हुए इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है स्क्रैप कर देना ये फेयर है? एक फ्रेज है इंग्लिश का कि डेविल ऑलवेज लाइज इन द डीप। आप किसी को अकाउंटेबल ठहराए बगैर आपने पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस क्वैश कर दिया, जिसमें एक कैंडिडेट ने 1.5 साल अपने स्पेंड किए हुए हैं। आपने IBPS सर्विस प्रोसेस उनका जिक्र किया, इंडियन बैंकिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, जिनको हायर किया गया था टू कंडक्ट दीज एग्जामिनेशन। जब IBPS एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है तो फिर डिस्क्रिपेंसीज और इरेगुलरिटीज के सवाल कहाँ से उठते हैं? बिकॉज IBPS PO ने, IBPS बैंकिंग सर्विसेज ने ये पूरा रिजल्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, दे हैव कंपाइल्ड द एंटायर रिजल्ट, और वो रिजल्ट फिर प्रोवाइड किया है जेएनके बैंक अथॉरिटीज को। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि आप किसी को अकाउंटेबल ठहराए बगैर, किसी को इस पूरे प्रोसेस का जिम्मेवार ठहराए बगैर आपने पूरी प्रोसेस क्वैश कर दी, और अब सफरिंग एंड पे है कैंडिडेट, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे। हु इज गोइंग टू कंपनसेट दोज 1.5 ईयर्स जो टाइम उन्होंने कंपनसेट किया है? और इतनी ज़्यादा एप्रीहेंशंस हैं अब, क्योंकि अभी राइट नाउ कोई जेके बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। कब नोटिफिकेशन आएगा? पहली एम्बिग्यूटी ये है कि आर दे गोइंग टू एडवर्टाइज दी पोस्ट अगेन? क्या बच्चों को फिर से एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे? क्या नए कैंडिडेट्स भी इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं? सो इतनी ज़्यादा एप्रीहेंशंस हैं और कोई एश्योरेंसेज फ्रॉम बैंकिंग अथॉरिटीज़ का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, तो बच्चे राइट नाउ दे आर इन ए स्टेट ऑफ डिसकंसर्टमेंट। एप्रीहेंशंस की आपने बात की, सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड के ऊपर। शुरुआत से जब ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था उस समय से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब लिस्ट निकली तब भी लोगों ने शोर मचाया, आवाज़ उठाई कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे हो सकता है जब ये पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं है। उसके बाद कट ऑफ कम कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि उस समय अगर ये प्रोसेस स्क्रैप हो भी जाता तो स्टूडेंट्स के कीमती वक्त का इतना नुकसान नहीं होता? ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की, हमारे सिस्टम की परप्लेक्सिटी को दर्शाता है कि किसी भी इशू को जस्टिफाइड मैनर में डील नहीं किया जाता। क्योंकि जब ये इशू उठा था, हम लोगों ने एग्जामिनेशंस दिए थे, तब ये आया इशू कि जब कट ऑफ आया, जब रिजल्ट आया बैंकिंग बैंक PO का रिजल्ट आया, तो कई बच्चे जिनके 60+ जो स्कोर कर रहे थे दे कुडंट मेक इन टू द लिस्ट। और जब उनको लगा कि यार IBPS या सेंट्रल बैंकिंग एग्जामिनेशंस भी अपेयर होते हैं तो उसमें 50+ कट ऑफ में भी हम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, जेके बैंक का एग्जाम PO का इतना टफ भी नहीं था, फिर ये कैसे हो गया? बट जब मार्कशीट्स उन्होंने पब्लिक की तो मार्कशीट्स पे क्लियरली लिखा हुआ था कि दी कट ऑफ इज डिस्ट्रिक्ट वाइज, अथॉरिटीज की तरफ से भी थी, बिकॉज एप्रीहेंशंस लगाई जा रही थी कि नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं मेंशन किया है एंड समवन सेइंग दैट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया। बट जेके बैंक को एक यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए था कि अगर आपका जो फ्लॉ है एट द वेरी एंड है तो आप इस प्रोसेस को लिंगर ऑन मत करो, यू शुड हैव कैंसिल द एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस, री नोटिफाइड इट
विद ए क्लैरिफिकेशन कि क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे होगी, और उस टाइम पे एक जस्टिफाइड डिसीजन आना चाहिए था. देखो लीगल टर्म्स में अगर बोलूँ, एनीवन कैन नॉट हैव टू बायोलॉजिकल फादर्स. अगर इसी एनालॉजी को यहाँ अप्लाई करें, किसी भी एग्जामिनेशन के दो कट ऑफ्स कैसे हो सकते हैं? तो एट द राइट वेरी बिगिनिंग इसमें डिस्क्रिपेंसीज थी, इरेगुलरिटीज थी. तो कहीं ना कहीं बच्चों को एप्रीहेंशन था कि हर स्टेज पे इस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं. और साथ ही में पीओ की जो पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, इसमें अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ चाहे बाद में एक कम भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जब आपने मेंस का एग्जाम किया तब भी आपने क्लैरिफाई नहीं किया कि मेंस जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसका कट ऑफ क्या होगा, क्या वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा. इसी के चलते जो है स्टूडेंट्स में ये एप्रिहेंशन थी कि इसी चक्कर में जो है डिले किया जा रहा है रिजल्ट को. क्या किसी को भी ये लगता था कि जो पूरा प्रोसेस है उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर कई बच्चों को इस चीज़ की भनक भी नहीं थी, बिकॉज फॉर द लास्ट 8 months दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि हमारा एग्जामिनेशन जो है रिजल्ट है डिक्लेयर किया जाए. पल्लवी, मैं यहाँ टेक्निकलिटीज पे जाऊँगा. IBPS PO जो एग्जामिनेशन प्रोसेस कंडक्ट करता है, वो जिस 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 मेथडोलॉजी को वो अडॉप्ट करते हैं, अगर वो चाहें तो रिजल्ट द वेरी सेम डे भी निकल सकता है. बिकॉज एंटायरली इज एक एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर से कैलिब्रेट किया जाता है एंटायर सिस्टम को. TCS या बाकी कंपनीज वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो बैंकिंग अथॉरिटीज तो एक हफ्ते में या 10 दिन में भी रिजल्ट निकाल देती हैं. सो इतना डिले प्रोलॉन्ग डिले एग्जामिनेशन रिजल्ट निकालने में. उसके बाद जब हमारे जो नए चेयरमैन थे JK बैंक के, उनकी स्टेटमेंट आई दैट कि वी आर फेसिंग नेटवर्क इश्यूज, नेटवर्क नहीं है, दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग इस रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर रहे. सो आई डोंट नो कि ये सब स्टेटमेंट्स क्यों दी गई कि जब एट दी बिहाइंड द स्टेज इतनी चीज़ें हो रही थी, राइट, देर वॉज सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द पिक्चर. तो उन्होंने कोई भी चीज़ उस चीज़ को उस टाइम पे रिवील नहीं किया. कैंडिडेट्स वर इन होप. अब देखो ये कितना इनसेंसिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का. ठीक है, देर कैन बी रीज़न, हम मानते हैं कि अगर देर आर इरेगुलरिटीज इन दी सिस्टम, देर आर डिस्क्रिपेंसीज, अगर देर आर केसेज ऑफ बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, अगर करप्शन के भी केसेज हैं, तो उस एटमोसफेयर में कोई भी रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इट अमाउंट्स टू देन जुडिशियल स्क्रूटनी. कल को कोई भी अगर कैंडिडेट बाहर होता है, इस डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को चैलेंज करेगा. सो ऑन देयर बिहाफ, क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन सही भी हो, बट आप फॉल्ट लाइन बैंक में, आप कैंडिडेट को कैसे सफर कर सकते हैं? वो राइट नाउ आप उनके 1.5 साल को कंपनसेट कैसे करेंगे? एक तरफ हम मांगते हैं एज रिलैक्सेशन रिस्टोर करनी चाहिए, तो वो इसी सिनेरियो के ऊपर मांगते हैं कि 1.5-2 साल हो गए आपके एक एग्जामिनेशन प्रोसेस को, सारे कैंडिडेट्स राइट नाउ ओवर एज हैं, तो अब वो दोबारा से इस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे. यार कोई भी एग्जाम है, इट रिक्वायर्स अ सर्टन टेम्परामेंट, राइट, आपको एक सर्टन मोमेंटम से तैयारी करनी पड़ती है. अब जो एग्जाम 3 टायर का है, प्रीलिमिनरी, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू, हाउ आर यू गोइंग टू कंक्लूड दैट इन 3 months या 4 months, व्हेन फॉर द लास्ट 7-8 months आप कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं डायलमा में रख रहे हैं कि आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे. एंड देर इज मोर टू इट. अभी रिसेंटली जब ये कैंडिडेट्स फाइनेंस कमिश्नर या बाकी लोगों से मिले, तो इनको एश्योरेंसेस दी गई थी कि वी आर ऑन इट एंड सून आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर देंगे इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर. और सडनली आपने इस एग्जामिनेशन को क्वैश कर दिया, आपकी तरफ से कोई भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है. केवल ऐसे मैं बताना चाहूंगी कि पहले भी ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ है कि एग्जाम जो है वो एग्जाम्स क्वैश किए गए हैं. Exactly. लेकिन उस समय में इस समय में क्या फर्क है? मुझे याद है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, तब भी जो KAS की रिक्रूटमेंट थी उसके लिए भी कहा गया था कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी धांधलियां हुई हैं, इसे भी क्वैश किया जाए, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट किए जाए या जो रिजल्ट है उसे दोबारा से निकाला जाए. क्या उस समय कैंडिडेट सफर नहीं कर रहे थे, इस समय ज्यादा कैंडिडेट सफर कर रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? आई थिंक सो देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस दोनों में, क्योंकि जब KAS 2016 एग्जामिनेशन की एग्जाम्पल ले लें, जब उनका प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट हुआ, सो देर वर कई लोगों ने देवर ऑफ दी एप्रीहेंशन कि हमारे मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं. बट जब उन्होंने आंसर की इसको कंपेयर किया, तो कोर्ट में ये चीज़ एस्टैब्लिश हो गई थी कि PSC की जो ऑफिशियल आंसर कीज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स थे, जिसकी वजह से उनको मिड वे में रिजल्ट रिवाइज करना पड़ गया. अब PSC के सर्टन रूल्स ये भी कहते हैं कि अगर आपकी क्वेश्चन पेपर में, आंसर कीज में अगर 10% से ज़्यादा एरर हो, यू शुड कैंसिल दी इंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस. वहाँ भी कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन ने सही डिसीजन नहीं लिया. उसकी वजह से क्या हुआ कि इंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस में लूप होल्स रह गए, जिन लूप होल्स को बाद में कैंडिडेट्स ने एक्सप्लॉइट किया इन जुडिशरी. आप पता है आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, राइट, आप डिजर्व करते हैं, आप लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, और आपको पता है कहीं ना कहीं प्रोसेस में
प्रोसेस में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो आप ऑन सर्टन ग्राउंड्स कैंडिडेट्स ने उसको चैलेंज किया। फर्स्ट जजमेंट आई 29 दिसंबर को, उसके बाद उस जजमेंट को चैलेंज किया गया और फाइनली इन फेबररी वो एग्जामिनेशन कोर्ट ने क्वैश किया ऑन ग्राउंड्स कि आंसर कीज में एरर्स हैं, तो हम इस मेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, उन्होंने जो भी आंसर किया है उसको एक्सेप्ट आंसर की उसमें उन्होंने किया 260 मार्क्स का, और उसके बेसिस पे उन्होंने एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करने की डायरेक्शंस कोर्ट ने पीएससी को दी। वहाँ भी ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन साइड वहाँ ही गलती ये हुई उनसे कि जब वो सारे इशू को खुद रिजॉल्व कर सकते थे, उन्होंने उसको दे थ्रो द बॉल इन द एम्बिट ऑफ कोर्ट, और कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है तो इट टेक्स टाइम, जुडिशरी टेक्स टाइम, जुडिशरी में कोई भी केसेस होते हैं, हेयरिंग्स पे हेयरिंग होती हैं, सुना जाता है, टाइम दिया जाता है टू फाइल नोटिस, टू फाइल द रिस्पॉन्स। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर इन द पास्ट 3-4 ईयर्स दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट आया है। इसकी एक एग्जाम्पल पीएससी तो है ही है, बट कहीं ना कहीं आप देखें जेकेएसएसबी की एंटी की प्रोसेस, नायब तहसीलदार की प्रोसेस 14-15 में पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, आज तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, केस जो है कोर्ट में चल रहा है या फॉर मेनी रीजंस वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। सेम इज द फेट विद केस 2016 एग्जामिनेशन, और सेम हुआ आप जेके बैंक के कैंडिडेट्स के साथ। अब जम्मू कश्मीर बैंक के अगर दोबारा से नोटिफिकेशन आती है और दोबारा से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, तो आपको क्या लगता है कि कितने कैंडिडेट्स इसकी वजह से सफ़र करेंगे, और साथ ही साथ अगर नया प्रोसेस शुरू होता है, चाहे आप पिछले ही जो बैच है उसे एलिजिबल करो, हालांकि आपके पास कोई इस तरह का लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि आप स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो पिछली बार रिक्रूटमेंट में मैंडेटरी था इस बार भी मैंडेटरी करें, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट तो रहा ही नहीं, तो कैसे आप बाकी पैन इंडिया बेसिस पर इस पोस्ट को एडवर्टाइज होने से रोकेंगे? डोमिसाइल भी अभी तक नहीं आया है, ये एक पहला मुद्दा है। और दूसरी बात, अगर आप कोई जादू की छड़ी घूमती है और आप उन्हीं लोगों को एलिजिबल करते हैं कि वही लोग जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, नया फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है, आप ही लोग अप्लाई करेंगे, आप ही लोग बैठेंगे, तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स क्लियर किया, क्या ये पॉसिबल है कि वो वही लोग दोबारा प्रीलिम्स क्लियर करें? क्योंकि मेंस का एग्जाम आना बाकी था, बाकी प्रीलिम्स तो क्लियर हो चुके थे, क्या ये पॉसिबल है कि वो स्टूडेंट दोबारा से प्रीलिम्स क्लियर करेगा? देखो ऐसा कभी नहीं होता, जब कोई भी कैंडिडेट किसी भी एग्जामिनेशन की, फॉर एग्जांपल यूपीएससी या इवन बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, तो कई बार वो अच्छा परफॉर्म करता है, कई बार वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इट बेस्ड ऑन सर्टन सर्कमस्टांसेस या आपका उस दिन अटेम्प्ट कैसा होता है। ये हुई पहली बात। देखो ठीक है, देर माइट बी एनी डिस्क्रिपेंसीज इन दी बैंकिंग, जो भी है देर फॉल्ट लाइंस हो सकती हैं जिनके बैंक की वर्किंग में, और एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस भी चल रहे हैं, दैट साइड इज ऑलरेडी पब्लिक, वो न्यूज़पेपर्स और वगैरह वेरियस मीडिया हाउसेस में आप लोगों ने भी उस चीज़ को हाईलाइट किया है। बट यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि क्या गवर्नमेंट का ये मूव लीगली चैलेंजेबल है, क्या इसको लीगली चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स की हु इज़ गोइंग टू कंपनसेट द टाइम लॉस्ट जो कैंडिडेट्स का हुआ है, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन प्रोसेस को अगर आप बीच में क्वैश करते हो एंड फॉर एग्जाम्पल विदाउट एनी रीजन, उसके लिए कोई रीजन नहीं और कैंडिडेट्स की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इज विद द इंस्टीट्यूशन जिसने बैंक एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करवाया, तो फर्स्ट थिंग इज कि आप पोस्ट को रीएडवर्टाइज नहीं कर सकते, आपको उन्हीं कैंडिडेट्स को दोबारा से उनको एग्जामिनेशन प्रोसेस में बिठाना पड़ेगा और फिर वही एग्जामिनेशन प्रोसेस दोबारा एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। आप उनसे दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म्स भी नहीं भरवा सकते, आप क्योंकि ऑलरेडी दे हैव पेड फीस फॉर दैट, एक बार वो फीस पे कर चुके हैं, तो वाई अब उनकी, अगर उनकी साइड पे कोई फॉल्ट है तब वो दोबारा एग्जामिनेशन प्रोसेस करें। मोर ओवर दीज पोस्ट पर एडवर्टाइज्ड इन 2018 जब हमारे पास हमारा स्टेट सब्जेक्ट और डोमिसाइल जो भी आर्टिकल 370 का प्रोविजन यहाँ पर था, सो डेफिनेटली नोटिफिकेशन में एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, तो वो स्टेट सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में अभी भी वैलिड होगा। उसी तरह जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी उसी हिसाब से होगा जो 2018 में जो कैंडिडेट जिस एज का था उस एज में होना चाहिए। आई थिंक सो ये ऐसा ही होगा, दीज आर माई एप्रीहेंशंस ऑन बेस्ड ऑन सर्टन लीगैलिटीज, बट आई थिंक सो ये एश्योरेंस बैंक को देनी पड़ेगी, क्योंकि कैंडिडेट्स आर नाउ ऑन द एप्रीहेंशन कि जिस तरह से हमारी दो नोटिफिकेशंस विदड्रॉ होगी, एक तो मुंसिफ की पोस्ट एडवर्टाइज हुई बाय जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड देन दी अदर पोस्ट जो एडवर्टाइज हुई थी हमारी ये जिन्हें हाई कोर्ट ने पोस्ट एडवर्टाइज की थी, एंड दे बोथ वर विदड्रॉन ऑन द बेसिस ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट कि एक ने हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा था, स्टेट सब्जेक्ट मांगा था, और एक ने नहीं मांगा था, पैन इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट की गई थी, तो दोनों नोटिफिकेशन विदड्रॉ कर लेगी ऑन सेम वेरी सेम ग्राउंड्स। तो कैंडिडेट्स भी अभी सेप्रीहेंशन में है कि ऐसा तो नहीं है कि कल को ये नोटिफिकेशन भी पैन इंडिया जो है एडवर्टाइज कर दी जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग हैज़ इज ओन नॉर्म्स, वो अपने तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, उनका एक अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है,
सो ये अप्रीहेंशन कैंडिडेट्स को हैं. मोर ओवर आई रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द बैंकिंग अथॉरिटीज कि प्लीज़ यार आप कुछ एश्योरेंसेज दें कैंडिडेट्स को. दे आर इन डायलमा. दे आर राइट नाउ डिसअपॉइंटेड. दे आर अपसेट. आपने उनको पहले तो फॉल्स एश्योरेंसेज दी कि रिजल्ट आएगा. दे आर सर्टन इशूज ऑन आर साइड एंड वील डिक्लेयर द रिजल्ट. दूसरी बात है आप इरेगुलरिटीज और डिस्क्रिपेंसीज की तब भी बात कर रहे हैं जब IBPS एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है. तो ये दोनों चीज़ें मेल नहीं खाती. ठीक है, क्योंकि रिजल्ट वो तैयार कर रहे हैं, कंपाइल वो तैयार कर रहे हैं, फिर इरेगुलरिटीज कहाँ हो गई. तो ये आई थिंक सो अश्योरेंसेस बैंक को देनी चाहिए और ये इमीडिएट होना चाहिए. डोंट दिस दिस शुड नॉट लिंगर ऑन फॉर अनदर वन मंथ कि वो वेट करेंगे कि डोमिसाइल या कुछ आएगा एंड देन वी नोटिफाई दी पोस्ट अगेन. ये प्रोसेस विद इन 3-4 months होना चाहिए कंप्लीट. और एक एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए कब एग्जामिनेशन ये फॉर्म्स नोटिफाई होंगे, कब एग्जाम होगा, व्हेन विल बी द इंटरव्यूज, व्हेन विल बी द मेंस. ये सेट डेट्स आनी चाहिए. कैलेंडर इशू होना चाहिए कि विद इन 4 months टाइम एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होगा. बट आई थिंक सो ये आयरनी है, यह हमारी ट्रैवेस्टी है कि यार फॉर द लास्ट 7 months कुछ नया एवेन्यू आया नहीं है. बिल्कुल, इसी पे मैं बात करना चाहूंगी. आपने कैलेंडर इशू होने की बात की, तो जनरली ये होता है चाहे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस JKPSC कंडक्ट कर रही हो, SSRB हो, एक कैलेंडर इशू इस समय तक हो जाता है कि इतनी पोस्ट एडवर्टाइज होंगी, इस समय पर एग्जाम्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आपको याद होगा कि JKPSC ने जो रिक्रूटमेंट केस में भी करनी थी उसका भी इंटरव्यू का प्रोसेस अभी तक पेंडिंग है. इंटरव्यू का प्रोसेस भी नहीं हो सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन फिलहाल डिफंक्ट है, ना मेंबर्स है ना चेयरपर्सन है, तो पॉसिबल नहीं है कि किस तरह से इंटरव्यूज कंडक्ट हो. तो ऐसे में ना ही SSRB ने कोई नई रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट निकाली है क्योंकि मालूम नहीं है कि रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाए, क्या डोमिसाइल होगा क्या डोमिसाइल नहीं होगा. तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर जो है ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है फ्रॉम अ स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी, काफ़ी लंबा हो गया है हालांकि ट्रांजिशन पीरियड, लेकिन इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ऐसे में ही पंचायत की भी अगर बात करें तो वो जो अकाउंटिंग असिस्टेंट्स हैं उनकी पोस्ट भी अब एडवर्टाइज होगी, लेकिन उनकी भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इसलिए शुरू नहीं हो पा रहा क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं है. नए रिक्रूटमेंट रूल्स आएंगे तो उनके भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा. तो ऐसे में ये जो समय है, अभी 7 महीने का समय है, जेके बैंक वालों का देखे तो 1.5 साल का समय है, जो कि ऐसा उनका देखे उनका भी ये जो समय है, क्या एक कैंडिडेट आज की 21st सेंचुरी में और इस अनएम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में इंतजार कर सकता है कि ये सारा कुछ सॉर्ट हो जाए, हमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिले, ये सब कुछ सॉर्ट हो जाए उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, क्या इतना टाइम एक कैंडिडेट के पास होता है? बिल्कुल नहीं होता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने इतने सारे इशूज डिस्कस किए कि फॉर द लास्ट 7 months ये हो रहा है, JKPSC के या KS 2018 एग्जामिनेशन के रिजल्ट पेंडिंग है. आई थिंक सो टाइम इज एक यूथ के लिए जो टाइम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ज़माने में 23-24 ईयर्स के कैंडिडेट्स जो थे ग्रेजुएट होते थे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती थी, दे यूज टू गेट इन टू जॉब्स. आज की डेट में कैंडिडेट 30, 32, 35, 37 और 40 की एज में भी जाके कैंडिडेट्स कहीं लग रहे हैं. इधर दे हैव द एज रिलैक्सेशन क्लॉज या उनको कहीं बेनिफिट्स दिए जाते हैं. तो ये सिचुएशन क्योंकि यूथ, इससे क्या होता है यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है बिकॉज आपको अपने आप को इकोनॉमिकली सस्टेनेंस करना है, आपने जॉब करनी है. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप यहाँ जम्मू कश्मीर का देखें 28% है, दैट इज़ अलार्मिंग. 9% आपका अर्बन एरिया, तो वैसे यहाँ ज़्यादा रूरल एरिया ही है, तो अर्बन एरिया में भी 9-10% यूथ आपका अनएम्प्लॉयड है. मतलब यहाँ सिनेरियो ये कि द मोर यू आर क्वालिफाइड द बेटर आर योर चांसेस ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड. तो यहाँ 3-4 लाख आपके PG स्कॉलर जो है अनएम्प्लॉयड है. फॉर द लास्ट 7 months देखो टाइम पीरियड सही है, टाइम पीरियड ठीक है, देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड, बट दिस ट्रांजिशन पीरियड इज नॉट बिकमिंग अ रियलिटी. इट शुड नॉट बिकम अ रियलिटी यार. जब 47 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, 166 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था एंड आज 8th month है एंड हम अपना नए बायलॉज और वो नए कानून नहीं बना पा रहे. इधर दे हैव टेकन अस फॉर ग्रांटेड और यहाँ पर वो या वही चीज़ कर रहे हैं जो कन्वीनियंट है. और जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर अ प्रायोरिटी. प्रायोरिटी एग्जैक्टली. अगर प्रायोरिटी होती तो ये ऐसे नहीं स्टेटमेंट्स दी जाती कि इन 3 months 50,000 जॉब्स दे देंगे. बोलने में क्या जाता है यार, बोल दो राइट. तो ये दिस इज़ ए पॉलिटिकल नाउ, ये एक हम पॉलिटिकल थिएटर में है कि यहाँ रोज़ नया नया कोई क्लाइमैक्स होता है, एक सीन होता है राइट. फॉर द लास्ट 7 months आपकी AE JEE की पोस्ट विदड्रॉ कर ली गई हैं, वेरियस अदर नोटिफिकेशन हैव बीन विदड्रॉ, JKPSC हैज़ बीन डिफंक्ट. वो अपनी डिसबैंड जो JKPSC हुई है उसी डिसबैंड को JKPSC चैलेंज कर रही है इन हाई कोर्ट कि हमें इनकम्बेंट पीरियड से पहले आपने कैसे
डिसबैंड कर दिया हमने 2000 में। ये भी मैं कहना चाहूंगी जितने भी ये सारी जॉब्स हैं, ये स्टेट में सरकारी नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, पैन इंडिया बेसिस पर भी अगर जम्मू कश्मीर का आज कैंडिडेट जो है अप्लाई करना चाहता है, क्या आपको लगता है कि 7 महीने में जहाँ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस है, पॉसिबल है कि जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट इस समय से गुजरते हुए भी पैन इंडिया बेसिस पर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक एनी सेंटर लेवल एग्जामिनेशन, UPSC, बैंकिंग, NABARD, कई लोगों ने तो IBPS PO की नोटिफिकेशन तक मिस कर दी बिकॉज दे डिडंट हैव इंटरनेट सर्विसेज। कई लोग अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए IBPS एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि इंटरनेट नहीं था, उनको पता नहीं था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 31 अक्टूबर की डेट जो है वो लैप्स कर गई। इंटरनेट इज़ वेरी इसेंशियल दीज डेज प्राइमरली फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज क्योंकि वो उसी को एक्सेस करके क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है यार जब स्टेटमेंट्स आती हैं कि यार जब हम बोलते हैं एज रिलैक्सेशन क्लॉज को रिस्टोर किया जाए, सो दे कम अप विद द आर्ग्यूमेंट दैट एवरीथिंग इज नाउ नॉर्मल इन कश्मीर। पर जब हम बोलते हैं नहीं सर वी कांट स्टडी, वी डोंट हैव इंटरनेट सर्विसेज, तो वो कहते हैं जी सब कुछ हो जाएगा रिस्टोर जब एवरीथिंग विल बी नॉर्मल इन कश्मीर। तो ये नॉर्मल की डेफिनेशन है क्या? सबसे पहले ये सरकार को इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो डिसाइड करने पड़ेंगे क्योंकि यूथ इज राइट नाउ एट लॉगरहेड्स, यूथ इज सफरिंग यार। आप मतलब यू कैन नॉट टेक यार यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर ग्रांटेड यार। फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स मतलब हम लोग वैसे ही सफ़र कर रहे हैं बिकॉज एग्जामिनेशन ओवर एग्जामिनेशन डिले हुए, कोई मेजर रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है हमारी स्टेट में, 2 साल हो गए आज स्टेट इज इन ए पॉलिटिकल टर्मॉयल, कितनी नोटिफिकेशन हमारी वापस हो गई, अब ऊपर से दिस रिसेंट डिसीजन टू स्क्रैप दी JNK बैंक एग्जामिनेशन, उधर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर बेसिक पे, जो अनएम्प्लॉयड हैं दे आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाई नो वन इज इवन बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही में नजर नहीं आ रहा कि ये 7 महीने तो गुजर चुके हैं, लगभग 1 साल का तो समय लग ही जाएगा इन सभी चीजों को नॉर्मलाइज होने में। जैसा कि पहले जम्मू कश्मीर के जो युवा मिलिटेंसी के दौर से गुजरे उनके लिए UPSC में एज रिलैक्सेशन क्लॉज था, उसे भी स्क्रैप कर लिया गया, क्या आपको नहीं लगता कि उसे तो रिस्टोर करने की बात अलग ही है, लेकिन ये समय, ये जो 1 साल का समय जम्मू कश्मीर के युवाओं का बर्बाद हुआ है ट्रांजिशन की वजह से, ट्रांजिशन होना अच्छी बात है लेकिन टाइम जो जाया हुआ है इसके लिए भी एक एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए? वी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट एज रिलैक्सेशन क्लॉज रिस्टोर्ड क्योंकि जब हमें स्टेटमेंट्स मिली सेंटर से दैट दे आर अबाउट टू स्क्रैप द एज रिलैक्सेशन क्लॉज, वी वर ऑफ़ दी कंसर्न कि ये फ्यूचर पे हमारे कैरियर पे बड़ा इफेक्ट करेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर इन दी एज ग्रुप ऑफ 28 to 32। और एज रिलैक्सेशन क्लॉज सिर्फ UPSC एग्जामिनेशन में एक्सटेंड नहीं होता, ये वेरियस अदर एग्जामिनेशन में होता है, बैंकिंग, NABARD, सेमी गवर्नमेंट, PSUs एंड अदर एग्जामिनेशन। तो यहाँ फार फ्लंग एरियाज भी के लोग भी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए जो सीज फायर वायोलेशन को रोज फेस करते हैं, या फार फ्लंग एरियाज कश्मीर से जहाँ डिस्टर्बेंस है, इवन जम्मू कश्मीर सांबा कठुआ के लोग भी इस एज रिलैक्सेशन क्लॉज को रिस्टोर इसको इसका बेनिफिट लेके उन्होंने सेंट्रल एग्जामिनेशन में अप्लाई किया है, क्वालिफाई किया है। बट हमने इसके खिलाफ यूर वेरी कंसर्न कि ये रिलैक्सेशन स्क्रैप नहीं होनी चाहिए, सो वी फॉर्मड अ डेलीगेशन, वी स्टार्टेड अ मूवमेंट फॉर रिस्टोरिंग ऑफ एज रिलैक्सेशन क्लॉज एंड वी वर क्वाइट सक्सेसफुल इन, हम लोगों ने काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को ये चीज़ समझाई कि इस सिचुएशन में आपको एज रिलैक्सेशन इस तरह से एंटी यूथ को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज एंड इट विल डेफिनेटली हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द कैरियर्स ऑफ मेनी कैंडिडेट्स जो आई थिंक सो 40,000-50,000 के करीब हैं। सो बिकॉज एवरी वन कैन नॉट कम आउट इन सच सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर में है कि वो प्रोटेस्ट करे या कैमरा में आए, तो वी अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। और हमने इसमें एक डेलीगेशन बना के वी मेट सम ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू मीडिया हमने इसको हाईलाइट किया, वी रोट राइट अप्स ऑन इट। तो फॉर द लास्ट 8 मंथ्स अब हमें कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत अश्योरेंस मिली है कि शायद ये रिलैक्सेशन क्रॉस, दे आर कंसिडरिंग दिस द फॉर द लास्ट 7 मंथ्स क्या सिचुएशन रही है जम्मू कश्मीर में, तो हमें उम्मीद है कि शायद सरकार इसको कंसिडर कर लेगी और शायद एज रिलैक्सेशन क्लॉज रिस्टोर हो जाए, तो ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कवल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इन्होंने भी अपनी बात कर दी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरा ओपिनियन इस पूरे मामले में क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आर्टिकल 370 की डायल्यूशन हुई तब जिन स्टूडेंट से मेरी भी बात हो रही थी उनका भी ये कहना था कि सरकारी नौकरियां तो नहीं, कम से कम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज जम्मू कश्मीर में भी आएंगी तो उनके लिए जॉब एवेन्यूज खुलते हुए नजर आएंगे। सरकारी जॉब्स के बारे में तो ऑलरेडी उनको था कि सरकारी जॉब्स हैं, अगर वो पैन इंडिया बेसिस पर भी होती हैं तो भी कंपटीशन वो कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि चाहे वो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हो वो इतनी प्रोलॉन्ग हो जाएंगी, चाहे रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस हो उनमें इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस हैं, रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं,
उनके साथ उनको लेकर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो अभी तक वो बॉडी डिफंक्ट है, और उनका भी जैसे इन्होंने बताया कि उनका भी ऑलरेडी कोर्ट में मसला पेंडिंग है कि उन्हें टाइम से पहले किस तरह से डिस्बैंड कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जितने भी जम्मू कश्मीर के युवा हैं आज वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 50,000 जॉब्स का वादा किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने 40,000 जॉब्स का वादा किया था, वो जॉब्स आखिर है किस सेक्टर में, कहाँ हैं, उसके फॉर्म्स कहाँ हैं, ये लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर बैंक का ये जितना भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, अगर IBPS ने ये पूरा का पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस कंडक्ट किया है, रिजल्ट्स ऑलरेडी उनके पास हैं, तो ये तो हो सकता है कि प्रीलिम्स के बिना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकाले हुए उनकी भी एक ओरिजिनल कॉपी जो रिजल्ट्स की है वो तो IBPS के पास ही होगी, ओरिजिनल बिना डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ के जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो निकाला जाए, उसको लेकर भी जो जम्मू कश्मीर के लोग क्वालिफाई भी किए थे प्रीलिम्स में, आई थिंक वो भी अश्योर्ड होंगे कि कम से कम मेरिट हैज़ वन दिस टाइम। साथ ही में चाहे मेन्स के एग्जाम हो, मेन्स का एग्जाम भी उसके बाद दोबारा अगर कंडक्ट होता है तो भी उन्हें ये अश्योरेंस होंगे कि जिन लोगों ने एक्चुअल में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है वही लोग मेन्स में अपेयर होंगे और वही लोग मेन्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा मसला ये है कि जो 1.5 साल इन स्टूडेंट्स का इसीलिए बर्बाद हुआ क्योंकि इस रिजल्ट को डिले किया गया, बार बार डिले किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स बयान देते रहे कि रिजल्ट आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्यूरोक्रेट से कहते रहे कि कोशिशें जारी हैं, रिजल्ट आ जाएगा। ये लोग आज ये समझना चाहते हैं कि अगर इस लेवल का झूठ टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग जम्मू कश्मीर के युवाओं से बोल रहे हैं तो वो ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि जब डोमिसाइल की बात आती है तो डोमिसाइल जम्मू कश्मीर को सच में मिलेगा या वो भी एक झूठ करार किया जाएगा। ये भी ये जानना चाहते हैं कि जितने भी रिक्रूटमेंट के लेकर बातें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा को अलग अलग जगह पर पोस्ट मिलेगी, रिक्रूटमेंट होगी, जम्मू कश्मीर का सिनेरियो ही बदल जाएगा, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, उसके लिए भी ये समझना चाहते हैं कि भाई आपने तो रिजल्ट भी निकालना था वो भी नहीं निकला, अब हम कैसे मान लें कि जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है वो बदलने वाला है। साथ ही साथ जितने भी युवा हैं, UPSC एज रिलैक्सेशन हो, चाहे सिविल सर्विसेज में कोटा होने की बात हो, या जितने भी रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं उन लोगों के पोस्ट एडवर्टाइज करने की बात हो, रिक्रूटमेंट रूल्स आने की बात हो, वो चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस जल्दी खत्म हो क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार जब वो कैंडिडेट ओवर एज हो जाएगा, ओवर एज होने से उसके अपने एवेन्यूज तो बंद हो जाएंगे लेकिन वो जो परिवार सफ़र करेगा सिर्फ इस कारण से कि उस परिवार का जो ब्रेडविनर बनने वाला था वो नहीं बन पाया, वो भी इस अनएम्प्लॉयमेंट के घेराव में आ गया, आखिर आप उसे क्या जवाब देंगे। तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन लेखा जोखा के इस एपिसोड में बस इतना ही, कल कोशिश करेंगे कि और किसी मुद्दे पर आपसे बात करें। पल्लवी सिरिंग को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।